शिक्षा विभाग जयपुर के 24 नामी स्कूलों पर गाज गिरेगी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत प्रवेश में लापरवाही बरतने वाले स्कूलों की मान्यता रद्द करने को लेकर शिक्षा विभाग की ओर से निदेशालय को प्रस्ताव भेजा गया है। प्रस्ताव पर सरकार की मंजूरी मिली तो इन स्कूलों की मान्यता रद्द की जाएगी। जयपुर के CBSE प्राइवेट स्कूलों की ओर से शिक्षा विभाग के आदेशों की पालना नहीं किए जाने के चलते अब विभाग ने सख्त रुख अख्तियार किया है। RTE के छात्रों को कक्षा PP4 और PP5 में प्रवेश नहीं दिए जाने के चलते इन स्कूलों को एक नहीं दो नहीं करीब 10 बार नोटिस दिया गया था, लेकिन इन प्राइवेट स्कूलों की ओर से विभागीय नोटिस को नजरअंदाज कर दिया गया। इसके अलावा 4 बार अंतिम चेतावनी पत्र भी जारी किया गया। बावजूद इसके स्कूलों की ओर से RTE अधिनियम और विभागीय निर्देशों की पालना नहीं की गई। नियमों को ताक पर रखकर PP4 और PP5 में RTE के अंतर्गत आने वाले छात्रों को प्रवेश नहीं दिया गया। स्कूलों की ओर से अपनाए गए हठधर्मितापूर्ण रवैये और विभागीय निर्देशों की पालना नहीं करने पर अब जिला शिक्षा अधिकारी राजेंद्र हंस ने इन स्कूलों की मान्यता रद्द करने के लिए बीकानेर निदेशालय को प्रस्ताव भेजा है। जयपुर के इन स्कूलों की मान्यता रद्द करने को लेकर एक प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिसमें भारतीय विद्या भवन विद्याश्रम स्कूल, जयपुर स्कूल, रुक्मणी बिरला मॉडर्न हाई स्कूल, सेंट्रल अकेडमी, वॉरेन अकेडमी स्कूल, संस्कार स्कूल, मॉडल पब्लिक स्कूल, वर्धमान श्री कल्याण इंटरनेशनल स्कूल, वर्धमान इंटरनेशनल स्कूल, ब्राइट लैंड गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सीडलिंग मॉडल हाई स्कूल, टैगोर इंटरनेशनल स्कूल, श्री माहेश्वरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, नीरजा मोदी स्कूल, सीडलिंग पब्लिक स्कूल, कपिल ज्ञानपीठ, महाराजा सवाई भवानी सिंह स्कूल, महाराजा सवाई मान सिंह विद्यालय, सेंट एडमंड्स कॉन्वेंट स्कूल, कैम्ब्रिज कोर्ट वर्ल्ड स्कूल, ज्ञान विहार स्कूल, द पैलेस स्कूल, डिफेंस पब्लिक स्कूल और भारतीय विद्या भवन विद्याश्रम स्कूल सांगानेर की मान्यता रद्द किए जाने को लेकर एक प्रस्ताव तैयार किया गया है।